हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं हरबीर सिंह और आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इची विद हरबीर सिंह में दिल से स्वागत है। साथियों, मॉर्निंग खबर के साथ अभी मैं हाजिर हूं और अभी तीन बड़ी खबर आ रही हैं। और अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये खबर आप ज़रूर देखें। तो साथियों, सबसे पहली खबर आ रही है आरपीएफ से। आरपीएफ का मतलब होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो जो भी साथी कांस्टेबल या आर्मी वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो साथी बिल्कुल देखें। इसमें क्या है साथियों, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसमें कांस्टेबल के पद निकले हुए हैं। मैं आपको सारी जानकारी अभी दे देता हूं और इसके बाद मैं आपको डीएसएसबी से जुड़ी हुई दो नोटिफिकेशन है वो भी बताने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक जरूर देखें। तो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसमें साथियों जो पोस्ट है वो 798 मतलब 798 पोस्ट है कांस्टेबल की, और क्वालिफिकेशन चाहिए 10th क्लास। अगर आपने 10th क्लास कर रखी है और आपकी एज 18 से 25 के बीच में है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए एज में छूट भी दी हुई है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको छूट मिलेगी। इसके बाद जो एग्जाम फी है वो 250 से 500 है। 250 रिजर्व कैटेगरीज के लिए है, 500 रुपये जो जनरल कैटेगरीज है यूआर है उनके लिए है। इसके बाद जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे 1 से 30 जनवरी तक है, मतलब 1 तारीख से ये स्टार्ट हो गए, 30 तारीख तक ये फॉर्म है, 30 जनवरी तक, मतलब 1 से 30 जनवरी 2019 तक। तो साथियों, जो भी साथी फिल करना चाहते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए रेलवे की जो मेन वेबसाइट है वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद साथियों, डीएसएसबी से जुड़ी हुई दो खबर आ रही है जो मैं आपको अभी बता देता हूं। तो डीएसएसबी का जो पहला नोटिस आया है वो रिगार्डिंग टाइपिंग स्पीड, तो साथियों मैं आपको ये हिंदी में बता देता हूं, मतलब टाइपिंग स्पीड है और मेडिकल सर्टिफिकेट है, मतलब टाइपिंग स्पीड और मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए इनका नोटिस आया है। और ये पीएच कैंडिडेट्स हैं जिनका पोस्ट कोड है 57/13, 211/2014 और 152/14। अगर किसी साथी का ये पोस्ट कोड है और पीएच कैंडिडेट्स हैं तो ये नोटिस ज़रूर देखें। टाइपिंग स्पीड और मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए ये नोटिस आया है, तो साथी ही इसे ज़रूर देखें। इसके बाद है सेकंड नोटिस जो आया है, फाइनल आंसर की फॉर द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेड 2-10 हेड क्लर्क पोस्ट कोड है जिनका 40/13, कंडक्टेड ऑन जो एग्जाम हुआ था 25/11/2018 को। तो साथियों, मैं आपको हिंदी में बता देता हूं, इसमें क्या है कि फाइनल आंसर की आई है, जो एग्जाम था 10 ग्रेड 2 का 25/11/2018 को ये एग्जाम हुआ था, तो इसकी फाइनल आंसर की आ चुकी है। तो मेरे पास काफी फ्रेंड्स के मैसेजेस आते रहे थे बीच में कि 10 ग्रेड 2 के बारे में, तो अभी ये नोटिस है। जो साथी इस 10 ग्रेड 2 से कनेक्टेड हैं तो वो इस न्यूज़ को ज़रूर देखें, इस नोटिस को ज़रूर देखें, आंसर की अपनी देख लें और बाद की जो प्रोसेसिंग है वो भी करते रहें। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने व्यूज़ ज़रूर दें। सो साथियों, थैंक यू।